हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं टीवी टुडे नेटवर्क के स्टॉक के बारे में। पिछले एक साल में स्टॉक में लगभग 36% के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, साथ ही साथ में स्टॉक में जो है परसों ही 52 वीक हाई लग चुका है ऑलमोस्ट 308 पे। अभी भी स्टॉक काफ़ी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था मेजर इंपॉर्टेंट, उसको जो है ब्रेकआउट होता हुआ इसमें दिखाई दे चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने ड्रॉ किया है 257 से लेके ऑलमोस्ट 267 का एक जोन, जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी इस ब्रेकआउट के चलते ये रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक में हमें पर्टिकुलरली ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन इसका 52 वीक हाई ही रहने वाला है, 300 से लेके 310 का लेवल। अगर इसको एक बार क्रॉस कर देता है तो फर्दर काफी अच्छी बाउंस स्टॉक में हमें अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। इस जोन को आप चार्ट पे ड्रॉ नहीं किए, ड्रॉ करके रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का ही रखना होगा। और साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे एमएसडी इंडिकेटर की, एमएसडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, जीरो लाइन के ऊपर भी ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है फर्दर स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे, वहाँ पे भी और भी कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कोर कार्ड की, परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक अंडर प्राइस्ड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड बना रहे, मतलब कि यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं टिकर टेप वेबसाइट के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नो रेड फ्लैग की। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखाई देता है उसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है इनका मेन बिजनेस क्या है, टीवी चैनल एंड ब्रॉडकास्टर्स हैं ये, स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1642 CR का है, मॉडरेट रिस्क हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। ठीक है, फोरकास्ट एंड रेटिंग करंटली अनअवेलेबल बता रहा है तो इस पॉइंट को हम स्किप कर लेते हैं। पीयर्स की भी बात करेंगे तो इसका कंपटीशन होता है सन टीवी नेटवर्क जी यानी कि जिल के साथ में, और साथ ही साथ में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के साथ में। ओवरऑल अगर आप यहां पे देखेंगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें सन टीवी और टीवी टुडे की देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स लेके एडवांस तक, वन मंथ का हम कोर्स कंडक्ट करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।